इकबाल में आपका स्वागत है। मुझे मालूम है बहुत सारा टाइम आपके वो हल्ले में निकल जाता है, लेकिन आप अगर थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे तो मैं जरूर सुनना चाहूंगा। कुछ लोग बहुत देर से चुपचाप खड़े हुए हैं, मैं उनकी तरफ आना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं उनसे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा टाइम देंगे और जिनका समय हो गया घर जाने का वो जाएं, खाना वाना बनाएं, अगर रुकना है तो फिर ध्यान से रखें, चुपचाप सुनेंगे। जी 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 हाँ हाँ नहीं चलूंगा। गोटा भारतवर्ष के बीजेपी सरकार ध्वंस कर दिल, बिक्री कर दिल, एराबार ना कि बोलते सोनार बांगला कर दे, এটা ধ্বংসকারী দল, এই দলটা পৃথিবীর মধ্যে থাকা উচিত না। मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। क्या नाम है आपका? समाशेर। हाँ समाशेर। बड़ी ताकत है आपके अंदर भाई। हाँ सच बोली तो पार्टी को टेस्ट थी। हाँ जी सुनर बांग्ला करने भैया जी, तुम्हारी तो आवाज इनसे बहुत नीचे है, इनकी आवाज बहुत तेज है, इनकी आवाज कम है। माइक तो दीजिए तभी पता। नहीं 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 तुम्हारी आवाज ही नहीं। अच्छा बोलिए एक बार, आप बोलिए। सोनार बांगला कर बो हमरा। हाँ देखो कितनी तेज है, देखो कहाँ पे। और आप बोलिए जरा। मैं अजय पासवान। मैं आवाज नहीं, दम नहीं है तुम्हारी, तुम्हारी आवाज में दम नहीं, बोलिए जरा। भैया जी मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। जी पासवान जी पूछिए जी। जो टीएमसी से जो प्रवक्ता यहाँ पर मौजूद है, जो बोलते हैं कि मोदी जी को बहुत तरह के एलिगेशन दिए, उनको सार मानना चाहिए यहाँ पे। जो मोदी जी ने इस विपत्ति के समय में गैस फ्री दिए, 500 रुपए सभी को दिए, सम्मान से उनको ये पैसे ले सकते हैं। মমতা ব্যানার্জি 10 বছরে যা করেছে সেটা রিপোর্ট কার্ড প্রকাশ করেছে। মমতা ব্যানার্জি তার মানুষ তার অভিজ্ঞতা দিয়ে সেটা বুঝতে পেরেছে। জি কেসে হ্যাঁ আপ আপি কি নেতৃত্ব মে সব হল্লা হো রা হ্যায় সুনা, আপি গুরু হ্যায়, গুরু হ্যায়, উস্তাদ হ্যায় সুনা হল্লাবাজি কে। হামারা জো হ্যায়। হ্যাঁ ক্যা হ্যায়? হামারা জো ক্যা হ্যায়? अनुशासन है, बहुत अच्छा है। हमारा कोई आदमी नहीं हल्ला मचाता है। नहीं हल्ला मचाना तो दूर का बात है, बोलता ही नहीं है। हमारा मोदी जी का आदर्श में हम लोग चल रहा है। हाँ। तो आज यहाँ पर जो हो रहा है हल्ला, एक खाली प्रश्न कर रहे हैं। करिए। हमारा जो माननीय है जो चीफ मिनिस्टर है। हाँ। वो तो एक महिला है। हाँ जी। तो आज महिला अठारह साल से एनसीआर रिपोर्ट के नेशनल क्राइम रिपोर्ट में। हाँ जी। आज नारी का जो निर्यातन, नारी का जो धर्षण, तो एक नंबर में है। तो हमारा जो बोलने का मतलब है, जो यह नाम है आपका, हमारा जो बोलने का मतलब है, एक नारी है ना। पहले बोलते हो फिर बोलने का मतलब भी समझाते हो। हमारा नाम है खोकन सेन। खोकन? खोकन सेन। खोकन दाग की मना चो भालो आची, भालो आची। तो हो एक अच्छा, हमी समझ गए थे सारी कथा, हमी पूजे गला सारी कथा पूजे गलम। अच्छा नो बीजेपी ते आमार प्रश्न एकटाई, कदिन आगे दिलीप घोष महाशय बोलेछिल दूध थेके सोना है, बाई दिनो दुटो गोरु पुतेछिलाम सोना तो आर पेलाम ना। मोदी जी से लोग लिए वो हिसाब दे, 1000 करोड़ वो भाइयों के खाते में गया। सर माने चाहिए लोगों, एक भी लोगों को नहीं मिला भैया, एक भी लोगों को नहीं मिला। मोदी जी ने खोदा कर दीदी के अकाउंट में हर यहाँ पे 1000 करोड़, उस पैसे का हिसाब दे। यहाँ पे पैसे हैं, एक भी लोगों को नहीं मिला। ठीक है, अब सोच रहे हम बंद करें प्रोग्राम, बहुत देर हो गया है ना, बहुत देर हो गया। बस चलो एक मिनट। हाँ
बोलो दिलीप घोष दूध थे के सोना बेरोबे बोले चिलो बार बार दूध दुआ चिलो ताई और आ जाने दूधेर सोना बेरोच्चे ना मेरा मैंने एक सवाल पूछा एक और सवाल पूछना चाहता हूँ तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधि से जब हमारे मोदी जी ने पुलवामा अटैक हुआ था उसके बदले में सर्जिकल स्ट्राइक किया था तब सिर्फ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो थे इमरान खान उन्होंने ही प्रूफ मांगा था और ये जो है राहुल गांधी उन्होंने मांगा था उनके साथ ममता बनर्जी ने भी मांगा था उनके साथ ममता बनर्जी ने भी बोला था। मैं कहना चाहता हूँ आप मोदी जी का विरोध कर सकते हैं आपका गणतांत्रिक अधिकार है लेकिन आप देश के जवानों का विरोध कैसे कर सकते हैं? राइट पाजी तमाम सारे सवाल तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता बोलना चाहते हैं मैं उनको 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 दलील जी एक मिनट भाई भाई अनेक चेचिए चो एक बोलते दो आस्ते कथा बोलो एक बार चुप रहो दादा दादा आमी बोलो दादा आमा के बोलो आमा के बोलो दादा आमा के चुपचाप रहेंगे गुप्ता जी समोसा खाना है पहले ये बात मेरा पास जो भाई है ये बोल रहा है ये श्यामा प्रसाद का बंगला है श्यामा प्रसाद जी को हम सम्मान करते हैं लेकिन ये बंगला रविंद्रनाथ नजरुल विवेकानंद रामकृष्ण का बंगला है ये पहले हमारा बंगला ये है। दूसरा बात है वो भाई बोला गैस का फ्री में गैस दिया हम लोग देखा जब लॉकडाउन हुआ था ना ममता दी सबका पास खड़े थे मोदी को नहीं देखा आज गैस का कीमत क्या हुआ आप देखिए पेट्रोल डीजल का कीमत क्या हुआ गैस का कीमत क्या हुआ आज 1000 रुपया गैस का कीमत हो गया और देखिए सीता भाई बोलते दो भाई सीता का राज्य अरे बोलते दो ना सीता का राज्य जो नेपाल होता है वह 50 रुपया पेट्रोल का भाव है और रावण का राज्य में 60 रुपया भाव है राइट दादा राइट दादा राम राज्यों में पेट्रोल 90 का भाव है ये बीजेपी लोग बोलिए किसका राइट इन्होंने जो कहा कि पश्चिम बंगाल सिर्फ श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नहीं हाँ वास्तव में पश्चिम बंगाल अखंड भारत के पुजारी ऋषि अरविंद का पश्चिम बंगाल है पश्चिम बंगाल युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद का पश्चिम बंगाल है इस पश्चिम बंगाल को जो लोग इस पश्चिम बंगाल को पश्चिम बांग्लादेश बनाना चाहते हैं उसका हम लोग मुंह तोड़ के जवाब देंगे और एक बात बोलना चाहता हूँ जब जिस दिन और उद्वास्तु हिंदू बंगाली अपनी नागरिकता का अधिकार मांग रहा था और नरेंद्र मोदी जी ने उनकी नागरिकता अधिकार उनको पार्लियामेंट में पास करके दिया इस पश्चिम बंगाल में किन्होंने ट्रेनों में आग लगाई थी ये जानना चाहता है बंगाल किन्होंने बंगाल में लोगों को अधिकार से वंचित किया ठीक है पहली बात बता दूं ये पुलवामा हमले की बात करते हैं पुलवामा हमले का जांच आज तक क्यों नहीं हुआ उसका रिपोर्ट प्रकाशित क्यों नहीं हुआ प्राइम मिनिस्टर फंड जो कोरोना पीरियड में किया गया था प्राइम मिनिस्टर फंड को उसका लेखा जोखा आज तक क्यों नहीं दिया गया देश के लोगों को और ममता बनर्जी स्वास्थ्य कार्ड की बात करती है ये जो स्वास्थ्य कार्ड है आप लोगों में से कितने आदमी को स्वास्थ्य कार्ड मिला मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे पश्चिम बंगाल में जात पात की राजनीति नहीं होगी किसी भी मजहब के नाम पर राजनीति नहीं होना चाहिए पूरे भारतवर्ष की जो एकता और अखंडता की बात होनी चाहिए भारतवर्ष की उन्नति और विकास की बात होनी चाहिए पश्चिम बंगाल की उन्नति और विकास की बात होनी चाहिए क्योंकि कांग्रेस कभी मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना नाना भाषा नाना मौत नाना परिधान आपने क्या एक कथा बोली एटा पश्चिम बांगलार इलेक्शन है हमरा जेटा बोलते चाहिए বাংলার মানুষ এটা সিদ্ধান্ত নেবে কাকে ভোট দেবে কে কাজ করেছে সেটা বাংলার মানুষ চিন্তা করবে
ये अखंडता की बात बोल रहे थे, ये अखंडता की बात बोल रहे थे। कश्मीर से 370 हटाइए, पीओके भी लेके आएंगे और बांग्लादेश और पाकिस्तान को भी मिला के अखंड भारत बनाएंगे। अभी बस सिर्फ इतना, कल फिर होगी मुलाकात।